नमस्कार, जय हिंद। इस वक्त मैं गांधी आश्रम में हूँ और गणतंत्र दिवस आज है, और आज के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं गांधी आश्रम में मौजूद हूँ। और देखिए, अभी झंडा तुलन हो चुका है, और झंडा तुलन होने के बाद जो भी अतिथि यहाँ पर आए हैं या बाहर से लोग आए हैं, तो अब यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और आइए यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है और यहाँ के माहौल कैसा है। इन लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ के जो टीचर हैं उनसे बातचीत करेंगे, आश्रम के निवासी से कुछ बातचीत करेंगे और लोगों से। मैम, आप लोग कहाँ से आई हैं? हम यहीं के एम्प्लॉयज़। अच्छा, आप यहीं के एम्प्लॉयज़ हैं। अच्छा, आप सभी लोग यहीं के हैं? हाँ जी। तो इसी तरह से हर साल मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? इसी तरह से। अच्छा अच्छा, और कुछ यहाँ आश्रम के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। आश्रम तो ऐसे ही ब्यूटीफुल है, बताने की कुछ सब जानते हैं, सब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। बस इसकी खासियत है कि यहाँ एवरी मतलब 2 अक्टूबर हो या 15 अगस्त, 26 जनवरी, ऐसे ही सब सेलिब्रेट करते हैं सब मिलके सारे लोग। तो ये मैम है जो यहीं रहती हैं, और भी लोग यहाँ पर आई हुई हैं। एक बार मैं मास्क लगा लेता हूँ। आप कौन से क्लास में आप लोग हैं? 11th। सभी लोग 11th का ही हैं? हाँ, 11th में ही है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा, मन को शांति मिलती है, दिल और मन को शांति बहुत मिलती है यहाँ आके। तो यहाँ पर आप पढ़ने कौन से क्लास में आए थे? यहाँ पे हम 9th क्लास में आए थे, हॉस्टल में रहते हैं। तो आपको यहाँ पर एंट्री करने के लिए 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन से एग्जाम को पास करना पड़ा था? यहाँ पे एकदम क्या कहते हैं, छोटी सी एग्जाम लेते हैं हमारी। हाँ? जिसमें पास होना थोड़ा इजी ही होता है। हाँ? ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता है यहाँ पर। तो एग्ज़ाम पास करके यहाँ एडमिशन हो गई। हाँ। उसके बाद आप यहीं अभी डिग्री तक यहीं आपको पढ़ाई होगा, है ना? हाँ, यहाँ पे हाँ। एक थी 8th स्टैंडर्ड का, इधर है ना हॉस्टल। हाँ? है आश्रमशाला। हाँ? यहाँ हम 1 थी 8 धोरण के रहते हैं। यहाँ फिर म्यूनसिपल कमीशन की स्कूल है। हाँ? यहाँ पे भी वो पढ़ने जाते हैं। हाँ? और 9th और 11th तक का हॉस्टल साबरमती कन्या छात्रालय है। अलग अलग है, एक PTC हॉस्टल है और एक साबरमती विनय मंदिर है। और 9th थी 12th के लिए तो एक ही स्कूल है। आप लोग कौन से वाले में रहते हैं? हम PTC में रहते हैं, PTC हॉस्टल में, सोमनाथ छात्रालय में रहते हैं, और ये आश्रम विनय मंदिर में, साबरमती छात्रालय। सब लोग अलग अलग से आई हो? हॉस्टल से। ये आश्रम के स्टूडेंट है और सब लोग अलग अलग स्कूल से यहाँ पर आई है, और अलग अलग हॉस्टल से, और सब लोग अलग अलग हॉस्टल से यहाँ पर आई है, और स्कूल एक ही है, आश्रम का ही स्कूल है, आश्रम विनय मंदिर। अच्छा अच्छा, आश्रम विनय मंदिर का स्कूल है, और सब लोग हॉस्टल अलग अलग हॉस्टल से आइए। आ जाओ, आप भी आ जाओ। और देखिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दर्शना जादव। दर्शना जादव है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ईला है। ईला। चौहान प्रियंका। अच्छा अच्छा, क्या? चौहान प्रियंका। चलो चलो, तो आप सब लोग स्टूडेंट हो आश्रम के अलग अलग स्कूल से, यानी कि हॉस्टल से? अच्छा, स्कूल एक ही है, हॉस्टल अलग अलग है। तो यहाँ पर आने के लिए आप लोग को तो एक क्या बोलते हैं, एग्जाम हुआ होगा छोटा सा, इस जगह पर आने के लिए, इस जगह पर नहीं, पढ़ाई के लिए। इधर तो हमें वहाँ से ही हमें इधर ले आना ही है। जैसे 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होता है, गांधी जयंती होता है, तब हमें यहाँ पर आते ही है। यानी कि हर समय आप लोग आते हैं ना? तो देखिए, हाँ हाँ, बोलो क्या बोलना है, बोलो क्या नाम हुआ? मेरा नाम अन्नपूर्णा है। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, और सामने देख के बोलो। और हम आश्रम विनय मंदिर में पढ़ते हैं सभी लड़कियां। कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं 11th आर्ट्स। 11th आर्ट्स में है। तो ये सारे जो भी आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट हैं, आश्रम के ही हैं, अलग अलग हॉस्टल से यहाँ पर आई हैं। और ये बैंड बाजे का ये ड्रेस है, और ये बैंड बाजे का इसमें प्रतिभाग लिया था। ऐसा नहीं कि बैंड बाजे, आप लोग इसमें बजा रहे थे ना? तो ये सारे स्टूडेंट इसी आश्रम के हैं। और कुछ यहाँ से क्या चीज़ संदेश लोगों को देना चाहते हैं जो और भी अलग अलग जगह से देख रहे हैं आपको? हम लोग ये हाँ, इधर आ जाओ।
एक चाचा संदेश देना चाहते हैं। हाँ बोलो। हाँ मैं बहुत हम नसीब वाली हूँ जो मुझे यहाँ पढ़ने का मौका मिला। हाँ। और मैं सब मेरे गांव वालों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पढ़ने आए, यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई है, इस जगह पे शारीरिक हमारा ध्यान भी बहुत रखा जाता है, हम हॉस्टल में भी हमारा बहुत ध्यान रखा जाता है, इधर स्कूल में भी हमको रोज एक्टिविटीज कराते और रोज रिसेस में हमको फ्रूट भी देते हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा, मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ और परेश मामा को तो बहुत ज्यादा जयेश मामा को मैं बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ। ट्रस्टी है हाँ, जिसे हमें प्यार से हम मामा बुलाते हैं। तो यहाँ पर और भी क्या चीज पढ़ाई जो बेहतर दिया जाता है पढ़ाई के मामले में? एकता का संदेश मिलता है। आप कुछ पूछ रहे थे कि मुस्लिम बच्ची भी है? हाँ बुलाइए ना, साथ में रहती है तो उनका भी ले लीजिए। आ जाना। क्या मैम आप कुछ बोल रही हैं? नहीं, आप बोल रही थी कुछ एकता? हमें यहाँ एकता का संदेश मिलता है, हमें यहाँ सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि हमें यहाँ गांधी जी का निवास स्थान था पहले, इसलिए बहुत ही अच्छा है ये सब। हम बहुत नसीबदार है जैसे इस भूमि के हमें अवसर मिला है यहाँ पे आने का। गांधी जी के बारे में कितने जानते हैं आप लोग? हम सब जानते हैं। हाँ बोलो। मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जब भी आप गांधी आश्रम आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको सेवा का ही ज्ञान मिलेगा, आपको सबकी सेवा करनी चाहिए। मैं यहाँ पे आई तब से जैसे यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता, हम किसी की मदद करने के लिए कभी हिचकिचाए नहीं, यहाँ सब एक दूसरे का सेवा भावी है, सब एक दूसरे की सेवा करते हैं। हम सब अलग अलग है लेकिन हम सब साथ में ही रहते हैं, सब अलग अलग गाँव से है फिर भी यहाँ आके सब एकजुट रहते हैं, सारे काम हम एक साथ में करते हैं। यहाँ भी झाड़ू मारना हो तो कोई भी हिचकाता नहीं, बड़े से बड़े लोग भी यहाँ आते हैं और छोटे से छोटा काम करके सबकी सेवा करते हैं, सबकी मदद करनी चाहिए बस। गांधी जी का कोई एक संदेश जो आपको याद हो आप बता सकती हो? कोई गांधी जी का तो कोई संदेश नहीं करना चाहिए। गुजराती में बोली दो। हाँ, साधु जीवन जीव। हाँ। उच्च विचार रखवा। हाँ, इसका हिंदी समझ में आता है? हाँ, सादा जीवन जीना चाहिए हमें और अपना अपने जो विचार होते हो हमेशा उच्च रखने चाहिए, स्वच्छता हमेशा हमें रखनी चाहिए। गांधी जी का कोई एक संदेश बोलो। स्वच्छता प्रभुता है, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए हमें। क्या नाम है आपका? किंजल। किंजल? हाँ। ये किंजल है। तो चलिए ये लोग से बात की है और यहाँ पर आप लोग क्या नाम है? शिखा। ये शिखा जी है, जाओ आप लोग जाओ, अब इन लोग से बातचीत करते हैं। हम लोग श्री अध्यापन मंदिर पीटीसी कॉलेज डीएलएड से। अच्छा अच्छा। सर कुछ बता रहे थे आप? ये लुबना है। हाँ? तो लुबना मेरी यहाँ बच्ची पढ़ती है। हाँ? वो लुबना भी यह सबके साथ मिलती है, यह धर्म के बारे में। हाँ? हमेरा जो आचरण है कुछ। हाँ? बापू ने बताया है। हाँ? आज की तारीख जीवंत है। हाँ? वो उनके मुख से आप सुन लो ये तो अच्छा रहेगा। यानी कि यहाँ पर सारे धर्म के लोग, सारे धर्म के छात्र यहाँ पर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, है ना? प्रार्थना भी साथ में होती है और ये बच्ची अहमदाबाद में स्लम एरिया में रहती है, फिर भी ये स्लम एरिया में रहती है फिर भी उनको ये छात्रावास हमारा सोमनाथ छात्रालय में रहते हैं, तो सबके साथ इतनी मिलजुल कर रहती है। कहीं बच्चियों में ये जो आज होता है बाहर देखते हैं उनसे हम गांधीवासियों को तो बहुत दुख दर्द होता है, ये हमारे बच्चियों को देख के कभी अपना पराया जैसा लगता ही नहीं है, ये हमारा साक्षात है, मेरी प्रार्थनाओं में भी अच्छा है, उनके मुख से आप सुनिए तो अच्छा रहेगा। यानी कि सर का कहना यह है कि इस आश्रम में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी धर्म के स्टूडेंट यहाँ पर आकर के पढ़ाई करते हैं, चाहे वो बौद्ध हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सारे धर्म के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, सारे धर्म के लोग के बच्चे यहाँ पर आकर के पढ़ाई करते हैं, है ना? तो आप लोग को सर बता रहे थे कि आपका जो है आप कोई और धर्म से बिलोंग करते हैं, माफ़ी चाहते हैं मैंने इसके बारे में थोड़ा आप लोग से पूछ रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं जो हकीकत है वो मैं सारी दुनिया को भी दिखलाना चाहता हूँ। आपका नाम सीखा है तो आप हिंदू ही हैं? हिंदू है। अच्छा। हाँ। और आप? दृष्टि। हिंदू हैं। अच्छा। आप? मुसलमान। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? लुबना। अच्छा लुबना।
तो आपको यहाँ पर पढ़ाई करके यहाँ पर रह करके आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप बताइए। मैं हॉस्टल में फर्स्ट बार रह रही हूँ। हाँ। और फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा कि यहाँ पे और और फर्स्ट बार रह रही हूँ मैं यहाँ पे मतलब बहुत पूरा अलग चेंज लगता है यहाँ पे जब आते करते हैं। और मैं यहाँ पे अहमदाबाद में ही रहती हूँ, जमालपुर में, फिर भी मैं हॉस्टल में रहती हूँ। और सब ये गर्ल्स हिंदू लड़कियों के साथ मुसलमान का रहना बहुत ऑकवर्ड होता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा एडजस्ट हो जाता है हमारे को। और टाइम सर आप लोग को सब टाइम सर ही चलता है, हमारे को रोज़ फ्रूट दिया जाता है और रात को हल्दी वाला दूध भी दिया जाता है। और यहाँ पे सब लोग लड़कियाँ भी थी और यहाँ पे सब कार्यक्रम प्रवृत्ति सब सुपर्ब होती है, बहुत ही अच्छा लगता है सब एक साथ। और एकता तो हम लोग के अंदर बहुत है क्योंकि यहाँ पे गांधी बापू ने जैसा किया है ऐसे ही हम लोग यहाँ पे सब एकता और भावना तो बहुत ही रखते हैं। और मेरे को यहाँ पर बहुत तो आप जो मुस्लिम स्टूडेंट हैं सिर्फ आप ही हैं कि आपके जैसे जैसे और भी यहाँ पर हैं? नहीं, यहाँ पर एक और लड़की है मुस्लिम। अच्छा, आप कौन सी स्टैंडर्ड में हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो यहाँ पर? मैं कॉलेज पीटीसी करती हूँ, डीएलएड। अच्छा, डीएलएड कर रही हो आप? हाँ। तो यहाँ पर आकर के आप कौन से क्लास में यहाँ पर एंट्री की थी, यहाँ कौन से क्लास में आप यहाँ आई थी? प्रथम वर्ष में, यानी कि वन क्लास में आई थी? वन क्लास में। वन क्लास से आप यहीं पर रह करके पढ़ाई लिखाई कर रही हो? डीएलएड करने आई हूँ अभी। अच्छा, डीएलएड करने? हाँ, डीएलएड करने आई हूँ अभी। डीएलएड करने के लिए यहाँ पर पहली बार हॉस्टल में रही, फर्स्ट ईयर है? फर्स्ट ईयर है। अच्छा, और ये सीखा है, आप कौन सी क्लास में हो? हम भी फर्स्ट ईयर में हैं। हम सब सब फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में डीएलएड कर। अच्छा, डीएलएड कर रहे हैं आप सभी लोग? हाँ। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पढ़ाई लिखाई के यहाँ पर, यहाँ यहाँ की पढ़ाई कैसा लगता है आप लोगों को? हमारे सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं। जैसा कि उन लोगों को कोई भी अपने बच्चे और हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं, सब अपने बच्चे की जैसे ही रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अपने एक माता पिता जैसा हो लगता है फील, स्कूल में होता है ना ऐसा। तो आप लोग का क्या सपना है, यानी कि आप लोग क्या बनना चाहती हो पढ़ाई लिखाई करके? यहाँ से पढ़ के अगर बाहर जाते हैं तो क्या बनना चाहते हैं? हम एक आदर्श शिक्षक बनना चाहते हैं जिससे देश में सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके और देश का नाम रोशन कर सके। आप बताओ क्या बनना चाहती हो पढ़ के? मैं शिक्षक बनना चाहूँगी। हाँ। क्योंकि मैं अभी भी ट्यूशन करा रही हूँ, सारे बच्चे बहुत अच्छा। अच्छा, इनको देख करके तो नहीं बोल रही? नहीं नहीं। तो आप बच्चे को पढ़ाती हो, है ना? हाँ। मेरी मम्मी भी टीचर है, मेरी मासी प्रिंसिपल है, मेरी दोनों मासी टीचर है। और मुझे भी वही लाइन में जाना है। अच्छा अच्छा, आप इस आश्रम में ही पढ़ाई करती हैं? हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दृष्टि है। आपका क्या एम्बिशन है, आप क्या बनना चाहती हैं पढ़ाई करके? यहाँ से जब जाएं तो आप क्या, यहाँ से क्या आप हासिल करना चाहती हैं? मैं जो लोग पढ़ नहीं सकते, जो बच्चे जैसे कि बहुत वीक होते हैं, जैसे कि पढ़ाई नहीं कर सकते, वैसे बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ और मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ और देश को भी रोशन करना चाहती हूँ। क्या बात है, उम्मीद है कि आप देश के नाम रोशन कर पाएंगे और यहाँ से इस आश्रम के भी नाम रोशन कर पाएंगे, है ना? थैंक यू। यानी कि लोग भी आपके बारे में जब जाने तो जाने कि इस गांधी आश्रम में पढ़ाई की थी तो इतने अच्छे शिक्षा ग्रहण कर पाई और लोगों को भी अच्छी शिक्षा दे रही है ना? हाँ। तो और हाँ, क्या बोल रही है, कुछ बोल रही है? हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम गांधी आश्रम से पढ़ के निकले हैं तो पहले हम अच्छे मानव बनेंगे। हाँ। फिर बाद में ऐसे बनेंगे कि ऐसे बनेंगे कि पूरे देश का जो अभी जो भी स्थिति है वो सब चेंज हो जाए। सब ऐसी क्या स्थिति है? स्थिति अच्छी है पर जो भी मीन्स के जो भी गरीब बच्चे हैं उनको सही खाना नहीं मिलता, सही पढ़ाई नहीं मिलती, अस्पृश्यता बहुत होती है, फिर सही उनको एक ठीक तरीके से देखा नहीं जाता। वो क्या कभी गरीब बच्चे को देखी हो? हाँ, मैंने देखा है। उसको मदद की हो कभी? हाँ, मैंने की है। किस तरह से मदद की है आप? मैंने जैसे कि उनको साल उठाई है, फिर उनको जो पढ़ाना होता है ना वो भी पढ़ा है। क्या बात, बहुत अच्छा लगा जान करके और इस आश्रम के स्टूडेंट से बात करके मुझे इतनी अच्छा लगा।
कि मैं कह नहीं सकता हूँ, और सर हैं जो कुछ कहना चाह रहे थे, आप सर कुछ बोलिए। नहीं आप लोग रुको, पूज्य बापू ने और जो स्वतंत्र सेनानियों ने जो उस वक्त जिस कल्पना की थी अपने भारत के निर्माण की, ऐसा भारत बनाने में शायद अभी भी कुछ कमियां हो, तो हम सब साथ मिलकर उनको करेंगे और हम सब एक मानव ही बने और सभी धर्मों से हम कुछ जो सभी धर्मों में जो भी अच्छी बात है वो अपने जीवन में आत्मसात करके अपना पराया छोड़ के सब सर्व शांति सुखिनो संतु, सर्व लोगों की शांति हो जाए और ये पूरा राष्ट्र ये विश्व में एक आदर्श बने, ऐसी हमें इस मंगल दिन पे शुभकामना। बिल्कुल, तो ये सारे आश्रम के स्टूडेंट है सर थे। हाँ हाँ, मैं कार्ड आपका कार्ड दे, हाँ मैं कार्ड, तो ये सर थे और ये सारे स्टूडेंट थे जिनसे मैंने अभी बातचीत किया और इस आश्रम के बारे में आप लोग को बतलाया कि आश्रम में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं और सारे हॉस्टल में अलग अलग क्लास के स्टूडेंट रहते हैं और सारे लोगों को अलग अलग शिक्षा दी जाती है, जो जैसा शिक्षा यहाँ पर ग्रहण करना चाहते हैं उनको उस तरह की पढ़ाई कराई जाती है और जो भी अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, अपना एम्बिशन पाना चाहते हैं, उसको उस तरह से शिक्षा यहाँ के स्टूडेंट को दिया जाता है ना। अगर कोई चाहे कि मुझे यहाँ इंजीनियर बनना है तो उसको इंजीनियर के क्षेत्र में भेजा जाता है। जी जी सर, नहीं सर, इसमें तो यह 12th तक की पढ़ाई है, अच्छी तरह 12th करने के बाद जो बच्ची जाना चाहती है तो वो अपना एमबीबीएस करती है। हॉकी बच्ची है, पीएस पुलिस में भी गई है, गवर्नमेंट जॉब में भी गई है, सारे टीचर भी है, बहुत सारा ऑप्शन है। और जो गांधी हमारे पास है कि बापू के 11 व्रत है, वो आत्मसात करने के बाद पोता जी सत्य हिंसा चोरी न कर विवन जेतु न संघर्व, ऐसा जो है वो सब इनबिल्ट हो जाए, ऐसी ट्रस्ट की भावना है और ट्रस्ट ही है। आज देखो ना, जयेश कुमार को हमने इंटरव्यू के बोला तो नहीं, तुम दो वो मुझे अच्छा लगेगा, जिनका ट्रस्ट चलता है वो भी क्या है इंटरव्यू के लिए, अब हमें बोला कि तुम दो मुझे अच्छा लगेगा, यानी कि समझिए कि कोई इसमें ईगो नहीं है, यानी कि इतना सादगी यहाँ का लोगों में दिखने को मिलता है वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और ये सारे स्टूडेंट, गांधी जी का कोई एक संदेश जो आप लोग बोलना चाहते हैं, आप लोग को मालूम है कोई एक संदेश पता है? देखिए अभी पीछे ये जो है हृदय कुंज है, इसी में गांधी जी रहा करते थे, सभी मानव एक समान। अच्छा, और गांधी जी सत्य का आग्रह रखने का बोलते थे। क्या बात है, पहली बार बोली है लेकिन अच्छी बोली। तो खैर, आप देख रहे थे CKTV इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ और गांधी आश्रम से, साबरमती गांधी आश्रम से। नमस्कार, जय हिंद।